अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन माई चैनल ऑप्टोमेटिक सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टोनोमीटर्स के पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्डमैन एप्लानेशन टोनोमीटर के बारे में। जो हमारा गोल्डमैन एप्लानेशन टोनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा दिया गया है इंट्रोडक्शन। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई गोल्डमैन इज 1954। It is based on Lambert-Fick law, which states that the pressure inside the sphere P is equal to the force W required to flatten its surface divided by area of flattening A. तो इसका जो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको जो इंट्रोड्यूस जो किया था वो गोल्डमैन ने किया था 1954 में। इसका जो ये जो बेस्ड है हमारा वो है Lambert-Fick law पर बेस्ड है, जिसको जो हमारे स्टेट जो है प्रेशर इनसाइड साइड स्फीयर जिसको हम P बोलते हैं वो हमारे इक्वल है W के, जहाँ पे हमारा जो है सरफेस है वो A दिया हुआ है। तो इसका जो पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी P इज इक्वल टू W अपॉन A। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डमैन टोनोमीटर। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्यूरेट टोनोमीटर। ये क्या है, हमारा जो रीडिंग जो देता है वो सब बिल्कुल एक्यूरेट देता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल प्रिज्म माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड स्लिट लैम्प। ये जो होता है हमारा वो स्लिट लैम्प पर माउंटेड होता है। इसमें हमारे डबल प्रिज्म होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ गोल्डमैन एप्लानेशन टोनोमीटर। द प्रिज्म एप्लेट्स द कॉर्निया इज एन एरिया ऑफ 3.6 mm डायमीटर। ये जो हमारा जो पूरा जो प्रिज्म जो होता है वो कॉर्निया के 3.6 mm डायमीटर को कवर करता है। कॉर्निया के वो कैसे करता है हम आपको आगे डायग्राम में दिखाएंगे। उसके बाद इसके टेक्निक की बात करें कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ परफॉर्म आफ्टर इंस्टॉल्ड एनेस्थेटिक आई ड्रॉप ज़ाइलोकेन 2% स्टैनिंग द टीयर फिल्म एंड पेशेंट टू मेट सिट इन फ्रंट। इसको हम क्या करते हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर इसको करते हैं। एनेस्थीसिया डालते हैं, ड्रॉप 2% उसे करते हैं, स्टैंड करते हैं हम। फिर क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं हम। टीयर फिल्म स्टैंड करने के बाद तो जो हम पेशेंट को हम स्लिट लैम्प के बिल्कुल इन फ्रंट में बिठा देते हैं ऑफ द स्लिट लैम्प। द बाइप्रिज्म जस्ट टचेस अपेक्स ऑफ द कॉर्निया एट दिस पॉइंट ऑफ फ्लोरेंसिंग। सेमी सर्कल्स आर व्यूड थ्रू द प्रिज्म। द एप्लानेशन फोर्स अगेंस्ट कॉर्निया इज एडजस्ट अंटिल द इनर एज ऑफ टू सेमी सर्कल जस्ट टचेज दिस इज द एंड पॉइंट। द IOP इज डिटरमाइंड बाई द मल्टीपल ऑफ द डायल रीडिंग विद 10। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को स्लिट लैम्प के इन फ्रंट में बिठा देते हैं, उसके बाद जो पाइप्रिज्म जो होते हैं वो हमारे टच होते हैं कॉर्निया के अपेक्स से। उसके बाद हमारे जो टच होने के बाद हमें फ्लोरेसेंट सेमी सर्कल्स दिखाई देते हैं हम स्लिट लैम्प से देखने पर। उन सर्कल्स जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी, उन सर्कल्स को हमें इक्वल करना होता है, मतलब मिलाना होता है। उसके बाद हम रीडिंग में देखते हैं कि जो सर्कल्स हैं वो हमारे कहाँ पर एक दूसरे के एड से बिल्कुल मिल रहे हैं, वही रीडिंग में देखते हैं और वही रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारे जो IOP रीडिंग निकलती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा क्या है डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये क्या है हमारी, ये हमारी कॉर्निया है, ये प्रिज्म है, ठीक है। इसमें जो उसका जो जो इसका जो एरिया जो कवर कर रहा है प्रिज्म वो 3.6 mm कवर कर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को हम स्लिट लैम्प के बिल्कुल इन फ्रंट में बिठाते हैं, उसके बाद जो प्रिज्म हमारा जो टोनोमीटर है उसको हम कॉर्निया से टच करते हैं, उसके बाद हमें सेमी सर्कल्स दिखाई देते हैं। उन सर्कल्स को हमें क्या होता है, जो सर्कल्स जो होते हैं वो हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ एप्लानेशन टोनोमीटर, तो हमें जो ए सर्किल में जो मिलेगा दोनों स्मॉल मिलेंगे। इसमें लिखा है हमारा टू स्मॉल ए, ये है हमारा, ऐसे दिखाई देंगे।
उसके बाद जो हमें सर्कल जो मिलेंगे टू स्मॉल भी मिल सकते हैं। उसके बाद जब हमारा फाइनली जब ये दोनों टच होंगे एक दूसरे के एड से तो हमें ऐसे दिखाई देंगे टू लार्ज टू एंड पॉइंट। ये इनका क्या है, एंड पॉइंट जो वो टच हो रहा है एक दूसरे के एड से। तो जहाँ पे ऐसे करके जो टच होंगे वहीं हमारी रीडिंग होगी और उसी के ही अकॉर्डिंग हम क्या है अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो है प्रेशर होगा, आई का प्रेशर होगा रीडिंग के अकॉर्डिंग। सो जैसे कि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेंस का जो टोनोमीटर का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।